गुड मॉर्निंग। सो आज डेट है 4th February 2022। सो जस्ट मैं फ्रेश वेश हो चुकी थी एंड उसके बाद मैं बीच साइड पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन स्टे कर चुकी हूँ, बट मैं नाइट के टाइम पे ही आती थी बीच के साइड में एंड मैं आप लोगों को अच्छा सा व्यू नहीं दिखा पाती थी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैं मॉर्निंग में अच्छा सा प्यारा सा व्यू दिखाऊँ बीच का। एंड मैंने नाश्ता कर लिया, वही 2 समोसे मैंने खाए थे एंड टेस्ट काफ़ी अच्छा है वहाँ पर का। एंड अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खाली है बीच, कोई भी नहीं है। अगर आपको अकेले कपल है एंड आपको इन्जॉय कर रहे हैं ना, तब मॉर्निंग के टाइम पे इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम होता है ना 3 or 4 o'clock होता है ना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ। एंड अभी अपना व्यूज़ इन्जॉय करिए एंड वेव्स की आवाज़ सुनिए। मैं काफ़ी दूर पैदल पैदल बीच के किनारे चल रही थी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ एंड व्यूज़ को इन्जॉय कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे मॉर्निंग के टाइम पे, वैसे उतनी गर्मी अभी है नहीं बट फिर भी गर्मी लग रही थी। एंड मैं जस्ट कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ एंड बहुत ही प्यारा व्यू इन्जॉय करूँ। एंड साथ ही साथ ना आपको ऐसे बीच के साइड में ना झूले मिल जाएंगे, तो आप उससे भी इन्जॉय कर सकते हैं। सो जस्ट मैं इन्जॉय करके मैं रूम आ जाती हूँ। एंड अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 1 or 2 PM हो रहा था, तो आज मैं रूम पे ही अपना खाना मैं लेके आ चुकी थी वहाँ से, होटल से पैक करा के। सो चावल था, ये दाल था एंड उसके बाद थी सब्जी। सो मैं कहाँ से लाई थी उसको मैं मेंशन कर दूँगी आपको नाम स्क्रीन पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि कैसा है यहाँ का खाना। उसके बाद ये था, एक रोटी मंगाया था मैंने एंड सब्जी थी, पनीर की सब्जी, मटर आलू की सब्जी थी आई थिंक। एंड मुझे ये प्लेट ना वेज थाली मैंने किया था एंड 200 rupees का मुझे पड़ा था। ये रोटी था, सलाद था, पनीर सब्जी, मटर आलू, दाल एंड चावल था। और साथ में मुझे मिला था दही, जो कि मैं खाती नहीं हूँ प्लेन कर्ड को, और यहाँ पे मीठा था, स्वीट मिला हुआ था। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं एंड मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। एंड मैं इस होटल में पहले भी जा चुकी हूँ तो मुझे उतना खास लगा भी नहीं था, बट ये वेज थाली मैंने लिया था वहाँ से। सो रोटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, काफ़ी ज़्यादा वो मैदे की थी और थोड़ी ठंडी हो चुकी थी इस कारण से। सब्जी का टेस्ट अच्छा था, दाल चावल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बस मुझे रोटी ही पसंद नहीं आई थी। सो आप वहाँ खा सकते हैं, मैं आपको नेम एंड एड्रेस मेंशन कर दूँगी। उसके बाद मैं आराम की एंड रात के टाइम में मैं फिर से बीच आ चुकी थी एंड काफ़ी अच्छा सा आवाज़ आ रहा था। इस बार म्यूज़िक नहीं चल रहा था, पिछली बार तो म्यूज़िक चल रहा था तो मुझे कॉपीराइट क्लेम लग जा रहे थे बार बार, बट इस बार नहीं चला तो मैं आपको अच्छे से शो कर सकती हूँ क्या है क्या नहीं। बीच का जो साउंड है वहाँ पर का वेव्स का वो भी कर सकती हूँ, आपको सुना सकती हूँ। एंड यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे टेंट उस तरीके से लगे हुए थे एंड बहुत ही अच्छी लाइटनिंग है यहाँ की। बट यहाँ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप कुछ डिनर कर रहे हैं या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्राइस लगता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डेकोर हुआ था, सो आप व्यू देख लीजिए। तो बीच के किनारे पे मैं चल रही हूँ, मैंने आपको मैं व्यू दिखा दूँ जो भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डेकोर हुआ है। एंड इसके बाद मुझे भूख लगी तो मैं जस्ट होटल जा चुकी थी एंड आई थिंक इसका नाम था 56 भोग था आई थिंक। तो यहाँ मैंने रोटी मंगाई थी एंड दम आलू, तो दम आलू के नाम पर इन्होंने तो कुछ और ही दे दिया था। दम आलू गोल गोल होते हैं ना यार, बट इन्होंने तो आलू को काट के सब्जी बना के दिया था। बट जो रोटी थी ना, ऐसा लग रहा था मैं घर की रोटी खा रही हूँ एंड सब्जी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। एंड ये प्योर वेज है तो आप यहाँ खा सकते हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये कैंडलिम में है तो फिर मैं थोड़ा आगे जाने लगी उससे। हमेशा मैं दूसरे डायरेक्शन में अपने होटल के डायरेक्शन पे आप लोगों को व्यू दिखाती थी, बट मैं इसका आज अपोजिट गई। सो यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स थे, मैं इस साइड कभी आई नहीं थी एंड शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे एंड वेज रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे थे, तो आप इस साइड भी देख सकते हैं, बट मुझे प्राइस का तो पता नहीं है।
एंड जहाँ मैं अभी खाई हूँ ना छप्पन बुक, वहाँ का तो टेस्ट ऑसम है, ऑसम, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं एंड आप गोवा जा रहे हैं तो आप वहाँ ज़रूर खाइए। यहाँ पे शॉपिंग का बहुत सारे, ये है छप्पन भोग प्योर वेज, यहाँ पे राजस्थानी साउथ इंडियन सारे डिशेस मिल जाते हैं। तो शॉपिंग के तो बहुत ही सारे ऑप्शन है, बट यहाँ थोड़ी प्राइस यहाँ की ज़्यादा है। सो मैं अपने जस्ट रूम जा रही हूँ, होटल जा रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ी थक चुकी हूँ एंड थोड़े वर्क के कारण मैं गोवा आई हूँ, ऐसे ट्रैवल करने घूमने नहीं आई हूँ मैं गोवा, कुछ काम था इस रीज़न की वजह से मैं आई हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन, एंड ये जो येलो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक रोड दिख रहा है एंड वहाँ पे जस्ट किनारे पे येलो कलर की बिल्डिंग, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं आपको जस्ट स्टॉल दिखा रही हूँ, जो भी शॉपिंग का स्टॉल है ना, मैं उसका आपको थोड़ा व्यू दे रही हूँ बस। तो आज का कुछ, आज ऐसा कुछ खास मैंने किया नहीं है, बट नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाला है गोवा का ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, आई नो। सो फिर से मैं स्नैक्स लेने रुक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लगते रहती है दिन भर, तो कुछ कुछ स्नैक्स लेते रहती हूँ। सो उसके बाद मैं होटल जाके जस्ट सो गई थी। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय।